हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना प्यारा चैनल एम पी जून पर स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, और इस तरह क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आते रहता है, तो आप लगातार वीडियो में बने रहें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को देखें। और यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन बटन को दबा दें, एवं अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। तो हम लोग आप देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले तो जो आपका वैल्यू दिया रहे, आपका वैल्यू दिया हुआ 31 और 75, इस दोनों को जोड़ दीजिए और दो से भाग लगा दीजिए तो आपका हो गया 106/2। इसको जब काटेंगे तो 3/3 में कटेगा, अर्थात यही संख्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे 2^(1/2), 3^(1/3), 4^(1/4) और 5^(5) के योग में जोड़ा जाए तो वह महत्वपूर्ण वर्ग वह वर्ग पूर्ण बन जाता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो इस तरह क्वेश्चन को सबसे पहले इसका पूर्णांक जो भी होगा उस पूर्णांक को जोड़ लीजिए। तो पूर्णांक आपका दिया हुआ 2+3+4+5, फिर इसके भिन्न को जोड़ लीजिए 1/2, 1/3 और 1/4+1/5। अब 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14 प्लस इसके हर का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। इसको भाग लगाई 30 बार में कट गया, 30 एकम 30, ये कट गया 20 बार 20 एकम 20, 15 एकम 15 कर दीजिए और ये आपका हो गया 12 × 5 = 60, 12 एकम 12। उसके बाद अब करना क्या है इसमें कि आगे इसको जोड़ दीजिए प्लस, ये आपका हो गया 30, 50, 65, 12, 77, 77/7 इससे भाग लगाएंगे तो 14+60 = 60+17/60, 14 × 1 = 15/17/60। अब चूंकि कह रहा था वो कौन सा क्या जोड़ा जाए, योग में क्या जोड़ा जाए, तो जो आपका भिन्न निकला है इस भिन्न को 1 में घटा दीजिए, जब घटेगा तो हो गया 60, क्या हो गया निकल के 60 − 17 अर्थात 43/60, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि 1.5 पावर एकरिंग में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस तरह क्वेश्चन जब देखेंगे तो 1.5 का मतलब हो गया 50 पैसा, 1.05 का मतलब हो गया 5 पैसा, अब इससे थोड़ा सा बड़ा मान कौन सा है 1.05, क्योंकि ये 5 पावर एकरिंग है तो 5 और दोहराते जाएगा, और यदि ये देखते तो 1.55 है, देख रहे सबसे बड़ा मान ये है, इसका मतलब आपका ये डी हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में कौन सी संख्या भिन्न सबसे बड़ी है। तो इस तरह जब क्वेश्चन हो तो इसको भाग लगाइए, इसको जब भाग लगाइएगा तो आपका जाएगा 0, यहाँ 0 आएगा, 7 × 4 = 28, 7 × 14 = 14, 6 × 0 = 56, ये आगे बढ़ता जाएगा। फिर आपका आया 1/3, इसको जब भाग लगाएगा तो 1.33 आ रहा है अप्रॉक्स। फिर उसी तरह से 5/6 में रखेंगे तो यहाँ जीरो आ गया, 8 × 48, 2 × 0 = 18, ये बढ़ता चला जाएगा। और 3/4 में करेंगे तो यहाँ फिर 0, यहाँ 0 आ गया, 7 × 28, 2 × 7 = 4 × 5 = 20। अब हम लोग देखते हैं कि ये 28 पैसा, ये 33 पैसा, 83 पैसा, 75 पैसा, तो सबसे बड़ा मान लग रहा है 83 पैसा होगा, अर्थात 5 × 6 जो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि यदि P = -0.12, Q = -0.01 और R = -0.015, तो तीनों के बीच सही संबंध क्या होगा। तो इस तरह के मान में हमेशा याद रखिएगा, जो जब माइनस होगा तो जो जितना छोटा होगा उतना वो बड़ा मान होगा। तब यहाँ अगर देखते तो ये 12 है, ये 01 है और ये 015 है, तो यहाँ देख रहे सबसे छोटा मान यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब माइनस है, तो सबसे बड़ा मान आपका क्यू हो गया। फिर अगर देखते पी और आर में तो आप P से छोटा दिखाई पड़ रहा है, ये आपका क्यू, सॉरी P से छोटा दिखाई पड़ रहा R, तो आपका R हो जाएगा छोटा इससे, तो R हो गया और बाद में बच गया आपका P। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P लेस देन आपका हो गया R और ये लेस देन से Q से, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है डी में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है, और यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो जो कह रहा है आपका भाग लगाने के बाद जो शेषफल आता है उस मान को ले लीजिए। फिर कहता यदि उसी संख्या 11 से विभाजित किया जाए तो 11 से विभाजित करना, तो 25 में क्या कीजिए 11 से विभाजित कर दीजिए, भाग लगाइए तो 11 × 2 = 22, 2 बार में कट रहा है तो आपका शेषफल निकल के आ रहा है, 25 में 22 चला गया तो आपका शेषफल आ रहा है 3, आपका आंसर हो गया ए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवन है। क्वेश्चन सेवन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो 18 का मतलब होता है कि ये 2 और 9 का गुणनखंड है। तो जो संख्या 2 और 9 से विभाजित नहीं होगा वही 18 से विभाजित नहीं होगा। अगर 2 को लेकर चलते हैं तो देखते हैं यहाँ 6 है तो ये विभाजित हो रहा है, फिर ये लास्ट में 6 है विभाजित हो रहा है, फिर लास्ट में 6 है विभाजित हो रहा है, लेकिन लास्ट में 3 है जो कि 2 से विभाजित नहीं है, अर्थात 2 से नहीं है तो 18 से भी नहीं होगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को देखा होगा और अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन आपको इस चैनल पर मैथ का और रीजनिंग का, साथ ही कुछ जीके का भी क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।